ऑल द कोच्स एंड शूटर के अंतर्गत 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने फीता काटकर किया, जिसमें लगभग 300 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। काशीपुर स्टेडियम के पास ऑल द कोच एंड शूटर के अंतर्गत स्वर्गीय विजय वीर सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने किया, जिसमें अलग अलग राज्यों के लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया। इस 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता में अच्छे निशाने लगाने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। 4% कोटा सरकार ने अब दे दिया है, तो ये सभी शूटिंग के खिलाड़ी और जितने भी प्रतिभावान खिलाड़ी दूसरे गेमों के भी, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो उस कोटे के तहत सरकारी जॉब में जाएंगे और अपना कैरियर बनाएंगे। जो बच्चा चाहता है, माँ बाप चाहते हैं कि वो अपना रोजगार से जुड़े, कोई भी काम करे तो रोजगार जरूर चाहता है, तो वो उसके तहत जॉब भी लेगा। शूटिंग चैंपियनशिप के लिए तो मैं जरूर बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इतने सारे खिलाड़ियों को जमा पड़ा हुआ है और बहुत गर्व की बात है। काशीपुर पहली दफ़े काशीपुर में आयोजित की जा रही है, जिसका श्रेय आप मिनरो एकेडमी को जाता है, शूटिंग एकेडमी। आज दूर दूर से निशानेबाज आए हैं और अपनी शूटिंग के जरिए अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, और निश्चित तौर से वो दूर दिन दूर नहीं है जब यहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटर भी निकलेंगे। मुझे गर्व है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे चारों तरफ सब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैठे हैं। कि हमारे अब छोटे छोटे कस्बों में शूटिंग का कार्यक्रम होने लग गया है। पहले उत्तराखंड के अंदर में, देहरादून के अंदर में शूटिंग होती थी। आज हमें गर्व है कि काशीपुर में भी एक बहुत अच्छी कोचिंग के साथ यहाँ पर शूटिंग का पूरे कार्यक्रम और साथ साथ प्रतियोगिता भी हो रही है। बड़ी खुशी की बात है, अच्छा लगता है इस तरीके के कार्यक्रम। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।